नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 31 मार्च 1 और 2 अप्रैल की आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी अष्टमी बर्थडे है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं यश में। ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन तीन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 31 मार्च की बात करें, मार्च माह के आखिरी दिन की, तो दोस्तों दिन गुरुवार के दिन होगा। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी और दोस्तों पूर्व भाद्रपद नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शुक्ल नाम का शुभ योग और ब्रह्म नाम का शुभ योग रहने वाले हैं। राहु कल के समय दोपहर के 2:03 से लेकर शाम के 3:34 रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आप राहु कल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इंद्र मीन राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अप्रैल माह के पहले दिन यानी 1 अप्रैल की बात करें तो दोस्तों दिन शुक्रवार का दिन होगा। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और साथ दोस्तों दिन ब्रह्म नाम की योग के उपरांत ही इंद्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। जी दोस्तों, इस राहु कल के समय सुबह के 11:59 से लेकर दोपहर के 12:31 रहेगा। और दोस्तों, चंद्रमा दिन भी मीन राशि पर ही संचार करेंगे। वही दोस्तों, अप्रैल माह के दूसरे दिन की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन होगा। प्रतिपदा तिथि, रेवती नक्षत्र और शायद दोस्तों इस दिन वैधृति नामक शुभ योग रहने वाले हैं। जी दोस्तों, राहु कल के समय सुबह के 9:26 से लेकर सुबह के 10:58 रहेगा और चंद्रमा दिन मीन के उपरांत मेष में गोचर कर जाएंगे। तो आए दोस्तों, बात करते हैं इन तीन दिनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय नौकरी के क्षेत्र में अधिकारी वर्ग के लोगों के कार्यों की आप यह समय प्रशंसा कर सकते हैं। आप दृढ़ और रहस्यमय विधाएं सीखने में विशेष रुचि रख सकते हैं। दोस्तों, यह समय आध्यात्मिक सिद्धियां मिलने का योग है। दोस्तों, लोगों के रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है। जीवन शैली में भी यह समय सुधार होगा। वहीं दोस्तों, यह समय अगर आपकी नेगेटिव को लेकर बात करें तो दोस्तों इन दिनों में कुछ नए कार्य की शुरुआत के लिए समय शुभ नहीं होगा। चोरी इत्यादि पर यह समय आपको भय हो सकता है। स्वभाव में घमंडी हो सकते हैं। साहस में कमी आ सकती है, किंतु दोस्तों आप अपने संकल्प के प्रति अडिग रहेंगे। दोस्तों, ये संकल्प आपके विरोधियों से आपको आगे लेकर जाएगा। वहीं दोस्तों, यह समय आप अपने आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए एक से अधिक विचार कर सकते हैं। किसी मित्र या फिर परिजन के साथ आपका पार्टनरशिप के लिए ये जो समय है बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आपको अपनी योग्यता का जो है पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, ये जो समय है आपका धन लाभ के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं। प्रोफेशनल रूप से ये जो दिन है अच्छा ही रहेगा, लेकिन दोस्तों निजी जीवन में आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको थोड़ा संभल कर यश में रहना होगा। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों बिजनेस में लाभ के संकेत हैं। जॉब के लिए जो दिन है सामान्य रह सकता है। दोस्तों, ये इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल भी होंगे और दोस्तों उनसे लाभ भी प्राप्त होगा। सामान्य रहने के साथ साथ आपको यश में थोड़े बहुत लाभ भी प्राप्त होगा अगर आप कोई कार्य पहले से करते आ रहे हैं उसमें। इसे दोस्तों जो है आपके वृद्धियों में हाहाकार मच सकती है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, करियर की लिहाज से आपको इस समय इस दौरान कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही दोस्तों आप जॉब को चेंज करने का यश में प्लान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बारे में आप थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी पूर्वक ही कोई निर्णय लें। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो प्रेमी जन के बीच में विवाद का फायदा किसी अन्य तीसरा व्यक्ति को न लेने दें, अन्यथा दोस्तों रिश्ते में और अधिक खटास आ सकती है, जिसे दूर करना फिर आगे चलकर आपके लिए कठिन साबित हो सकता है। दोस्तों, ये जो समय है आपको अपने साथी के साथ रिश्तों में एक दुराव भी महसूस हो सकता है।
वहीं दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो कमर या फिर पीठ में आपको दर्द हो सकता है, इससे आप परेशान भी हो सकती हैं। दोस्तों यश में शारीरिक और मानसिक रूप से आप थोड़ा आराम महसूस करें। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी भाग्यशाली रंग की बात करें तो भाग्यशाली आपका रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 7। दोस्तों यश में घर की साज सजावट में कुछ परिवर्तन करके उसे नया स्वरूप देने के लिए आपके मन में जो है इच्छा जागृत होगी। आपके कलात्मक सूझबूझ से घर में ही वस्तुओं के उपयोग द्वारा बेस्ट में से बेस्ट बनाकर गृह सुशोभन करेंगे। दोस्तों इसका अर्थ यह है कि आप पैसे को यश में अधिक व्यर्थ में खर्च नहीं करेंगे और दोस्तों गणेश जी आपके इस स्वभाव की प्रशंसा भी करते हैं। वहीं दोस्तों इस दौरान अगर आपकी धन को लेकर बात करें, दोस्तों यश में महत्वपूर्ण कार्यों को करना आपके जहन में होगा। दोस्तों यश में आपका महत्वाकांक्षी स्वभाव और दृढ़ विचार उच्च पदाधिकारियों को पसंद आएगा। आप चैट और मैसेजिंग में यश में समय को बर्बाद नहीं करेंगे। गणेश जी आपके कार्य में एक सकारात्मक परिवर्तन की भविष्यवाणी भी करते हैं। वहीं दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो आपका प्रियजन आपको जरूरी भावनात्मक सहायता प्रदान करेगी। दोस्तों यश में प्रेयसी से एक आकर्षक संदेश मिलने का इंतजार करें। शाम के अंत में दोस्तों यश में आपका जो है साथी आपके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए खुश होगा, ये सा गणेश जी का मानना है। वहीं दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो पैसे कमाने के लिए ज़्यादा अच्छे काम को हाथ में लें। यश में अल्पकालिक लाभ होने की अंदेशा नहीं है, लेकिन दोस्तों धैर्य रखें। शेयर बाजार में काम करने वाले बाजार के परिदृश्य से बहुत खुश नहीं हो सकते हैं। वहीं दोस्तों ये जो समय है आपकी एक सकारात्मक मानसिकता होगी जिससे आप बेहतर तरीके से सब कुछ प्रबंधित भी कर सकेंगे। उपलब्धि मिलने से आपका मन जो है यश में प्रसन्न भी होगा। आप उत्कृष्ट स्वभाव का भी आनंद यश में लेंगे और विश्वास के साथ काफ़ी सारे कार्य करेंगे। दोस्तों यश में मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन रहेगा। दोस्तों इस राशि के कारोबारियों को ये जो समय है अपने घर के उन सदस्यों से दूर रहना चाहिए जो आपसे पैसा मांगते हैं और फिर लौटाते नहीं है। दोस्तों यश में अपने परिवार को बताकर और अपने कामों से जताकर उन्हें महसूस कराते हुए कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, इससे दोस्तों उन्हें काफ़ी खुशी मिलेगा और इन खुशी को दुगुना करने के लिए उनके साथ आप अच्छा एक समय बिताएं। दूसरों को खुशियां देकर और पुरानी गलतियों को भुलाकर आप जीवन को सार्थक बनाएंगे। यश में नौकरी पेशे के लिहाज से ही यात्रा सकारात्मक फल देगी। दोस्तों आपको इंटरव्यू के दौरान दिमाग जो है ठंडा रखने और खुद को अभिव्यक्त करने की ज़रूरत होगी। वक्त पर चलने के साथ साथ जो है अपने आप को वक्त देना भी आवश्यक होगा। ये जो समय है आप इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी आप अपने घर वालों को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। दोस्तों अपने साथी पर ये समय किया गया कोई भी संदेश जो है एक बड़ी लड़ाई का रूप ले सकता है, तो दोस्तों इस समय आप अपने साथी पर कोई भी शक संदेह बिल्कुल ना करें। दोस्तों ये समय अपने जेब में आप हरे रंग का रुमाल रखें, इससे दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति जो है और भी सुधरेगी। आपके लिए ये जो दिन है और भी शुभ होंगे। दोस्तों यश में आप घर के आसपास या फिर मंदिरों में जाकर जानवरों और जरूरतमंदों को खाना खिलाएं। दोस्तों ऐसा लगातार करने से आपके भाग में वृद्धि होगी। साथ ही कम से कम 10 रुपया आप जन कल्याण में जरूर खर्च करें। दोस्तों वह बात किसी को न बताएं। दोस्तों यह आपके भाग्य में वृद्धि करने के लिए लाभदायक साबित होंगे और आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे।